जाइएगा लाइब्रेरी जाइएगा आप। हाँ, अम्मी कल चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत का, अपने भगवान का। अच्छा, कल खत्म हो गया आपका? खत्म हो गया है? हाँ, मैं तो वो वाला पढ़ लिया था। मैं इस समय वो पढ़ रहा हूँ, उस वाले से पढ़ रहा था अपना। इसका ये भी इसका बहुत अच्छा है, लक्ष्मीकांत का ये था, इस गवर्नेंस से रिलेटेड जो टॉपिक था। पानी गर्म कर। वैसे सर लोग बोलते हैं कि किसी फेमस व्यक्ति की बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ते रहे, उससे हमारे मेंस के अंदर राइटिंग बहुत हेल्पफुल होती है जी। लेकिन साला यूपीएससी के तो सिलेबस इतना ज्यादा है कि क्या बता, समझ नहीं मिलता कि इसको कंप्लीट करे कि बायोग्राफी पढ़े। समझ में नहीं आता है। पानी गर्म कर, मेरा भी लेट हो जाएगा कोचिंग आने के लिए। वही तो शेड्यूल हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है, लेकिन क्या करेगा साला, पूरा डेली का टास्क ही वो नहीं हो पा रहा। भैया फ्रेश हो गए, ठीक है, देखते हैं उधर पानी गर्म करने के लिए लगा देते हैं। हाँ, वो आपके लिए। हाँ, रड बाहर होगा, लगा देते हैं, जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी करते हैं। सर इसका टेस्ट भी ले सकते हैं, ये जियोग्राफी वाला पोर्शन का। क्या करें भैया? बोले कि आज वहाँ पर टेस्ट भी ले सकते हैं सर, ऊपर बोल रहे थे। हाँ भैया, कि उसमें से रेंडमली टेस्ट ले लिया जा सकता है। ठीक है भैया, आते हैं, मूड हो रहे थे। भैया बाथरूम में दो लड़का और लाइन लगा हुआ है, लेट होगा, आइएगा तो बताइए, नंबर लगाए हम आपका। हाँ ठीक है ठीक है, लगा दिया। जल्दी जल्दी आइए, देखिए घुस रहा है, पकड़ वाला घुस रहा, बहुत लोग हैं। बस मैं आ गया। उसको घुसने नहीं देना। हाँ, गेट पे ही है, गेट पे रुके हुए हैं, जल्दी आइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ गया। बस इसको टॉपिक को देख लो थोड़ा सा, आ गया, जस्ट आ गया। अरे झगड़ा कर रहा है, जल्दी आइए भैया। बस आ गया मैं। ये डेली डेली का इसका नौटंकी है, ये कैसे कर रहा है? हम ही लोग के समय पे उठ के सब घुस जा रहा है। जब उनको पता है कि हम लोग का टाइम उसी समय होता है तो कैसे के? अच्छी बात थोड़ी ना है। तो ऐसे भी इन दो लेट हो रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं और संगीत नौटंकी। जानी भैया उठिए, लेट हो रहा है। जय लक्ष्मीकांत महाराज की।
जल्दी करिए आज टेस्ट है, कितना लेट टेस्ट का आएगा? टेस्ट भैया ज्योग्राफी का टेस्ट है, सेट रख दिए हम। अच्छा, टेस्ट का आएगा है ज्योग्राफी का? साला रात भर सीसेट पड़े हैं, आप ज्योग्राफी का टेस्ट देना है। चलो भैया कोई नहीं, ज्योग्राफी भी दे देंगे। यूपीएससी भी हमसे क्या क्या करवाएगी, 32 के 32 सब्जेक्ट हमसे रटवाएगी। ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, अकेली जाने कितना लड़ेंगे। चलो कितने बजे से टेस्ट है? 8 बजे से। 8 बजे से 7:25 हो गया, इधर लाइन लगा हुआ है, 3 लड़के बाहर बाथरूम में, जल्दी करिएगा। क्या करिएगा? क्या करेगा, टेस्ट के बाद करेंगे, जो करेंगे देखा जाएगा। चलो भैया टेस्ट देंगे। जय हो जय हो जय हो बाबा लक्ष्मीकांत की। हे बाबा, इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल दो आपकी शरण में। अबे साला, 5वां एडिशन है ये, 6वां एडिशन आ गया पुरानी लक्ष्मीकांत। हे भगवान, नए एडिशन लाओ। शंकर आईएएस का भी नया एडिशन आ गया मार्केट में, लक्ष्मीकांत भी आ गया। अबे साला ईयर बुक। अरे मिश्रा ही। हाँ भैया। ये लक्ष्मीकांत का कौन सा चैप्टर नए आए हैं इस उसमें? भैया देखे नहीं है हम। अरे ये बताओ ईयर बुक कब आ रही है? 1 महीने बाद, अभी टाइम है उसका। और ये संविधान का कौन से अनुच्छेद नए जुड़े हैं? ये साला मेरे पास कौन सा 16 का संशोधित 2019 हो गया 2016। मिश्रा जी क्या करते हो, पुरानी किताबें भेज दो भैया। यूपीएससी करंट का पूछती है। जाने के लिए सब आया, कबाड़ी ले जाने के लिए। अरे कौन कबाड़ी, काहे का कबाड़ी? अरे वो न्यूज पेपर सारा रखा है ना कबाड़ में, सारा उतना 3 महीने का कबाड़ दिख रहा है। अच्छा बोले थे ना उसका टाइम ले जाने के लिए कबाड़। ये देख रहे हो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो पढ़ लिए ना आप? काहे का पढ़ लिए भैया मिश्रा जी, 12 जनवरी का अखबार हम ना पढ़े है, 13 का ना पढ़े हैं। आज 29 जनवरी है, आप 17 दिन पहले का बात बोल रहे हैं। 29 है ना, तो 18 का कौन सा पढ़ लिया है? वो छूट गया था ना एडिटोरियल, तुमको पता है। राज्यसभा टीवी शुरू कर दिए थे बीच में, डीडी न्यूज शुरू कर दिए थे। आप तुमने तो कहा था कि जो है हिंदू से काहे, हिंदू से अखबार से हिंदू का ट्रेंड बदल गया, भाजपा सरकार आ गई, काहे की सरकार हमारी, तो सरकार ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। फिर पूछ दिया यूपीएससी ने प्रीलिम्स में हिंदू से क्वेश्चन, ये बांधना तो पड़ेगा ना, इसको भगा देते हैं। काहे को भगा देते हैं, उसको भगा दो, उससे बोलना कि मिश्रा जी जो है अभी क्या नाम कहते हैं नहीं है घर में। आजकल मैं वो बना लेता हूँ अपना टाइम टेबल, ठीक है। वो 23 जनवरी करे अंकल किराए के लिए बोल रहे थे, तो 10 तारीख आने वाली है, तो उसके लिए क्या वो कर लिया जाए। आप अपने घर में बात कर लो, क्या कब तक आ रहा है किराया? हाँ मैं बात किया था जी, तो वही बोले थे कि वही आ जाएगा 4-5 तारीख तक, तो देखता हूँ। फिर भी वहाँ पास पहले से, क्योंकि बिजली का किराया भी है, नल का भी मांगते हैं, तो थोड़ा सा समस्या हो जाती है वहाँ। एक साथ तो घर में प्रॉब्लम होती है, जैसे पापा जी किसान है तो समस्या हो जाती है, तो धीरे धीरे पैसा आता है, जैसे गल्ला उल्ला बिकता है। तो मैंने अंकल से बोला भी था, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, समस्या है। तो ये मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मकान वाले घर लोगों को चूसते क्यों है, कितना चूसते हैं? दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट से ज्यादा हम रात भर तो। अरे भाई आप क्या बोल रहे हो यार, चला 1500 भी लगा रहे हैं, देख ही रहे हो आप लोग, क्योंकि हम लोग देखते ठंडी में भी जब आ जाते हैं तो गर्मी तो बात ही कुछ और है। हम ना तो पता नहीं कहाँ से फ्री है 200 यूनिट, समझ में नहीं आता है। इतना बिल आएगा वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर एक ट्यूबलाइट है, अब ठंडी में वैसे ही पंखा कहाँ चलता है, हम लोग पंखा कहाँ चलता है, सिर्फ ट्यूबलाइट चलती है, मोबाइल चार्ज करने का आता है। चला 5 वाट का तुम्हारा सिर्फ मोबाइल होते समय होता है कितना है? कभी कभी पानी गर्म कर लिया तो कर लिया, नहीं तो साला वो जो मोटर चलती है उसमें ही गर्म पानी आता है। मतलब दोस्त से पूछ रहा था तो उसकी तरफ थोड़ा सा उसे बताया कि यार थोड़ा थोड़ी उसमें ज्यादा आ रहा है,
समस्या मुझे भी लग रहा है, दाल में कुछ कला। चलो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को तो एक किराएदार अपने क्या है बस, है ना, समस्या पढ़ाई करना है अपना, अपने जिस उद्देश्य से आए हैं वो करना है, उसके बाद फिर बताऊंगा भैया। वैसे सोचने वाली बात है, पुलिस को जब कुछ होता है पुलिस वाले हड़ताल पे उतर जाते हैं, जब नेताओं को कुछ होता है किसी नेता को कुछ हो जाए तो उनकी पूरी यूनियन उतर जाती है। हमारे छात्र संगठन बने हैं, क्या हम छात्र नहीं है उनके नजरों में, जो हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता। आज दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर इतनी भीड़ है, बसों का हाल आपने देखा है कैसा, बसें खचाखच भर के जाती हैं, आदमी जो है भीड़ बकरियों की तरह यहाँ चलता है, फिर भी इतनी दयनीय स्थिति है हमारी, इतना गिरा हुआ लचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो क्या कहेंगे। सोचने में तो मेरे को बड़ा, बात तो सही है बिल्कुल, क्या पूरा यदि देखा जाए तो हर चीजें जो है तो पूरा मार्केट ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड है, लेकिन यदि हम अपनी बातें स्टूडेंट कहीं रखना चाहें तो एक ऐसा कोई भी मंच नहीं जिसके जरिए कि स्टूडेंट अपनी बातों को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सके, और उनको सुनने वाला ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं कि हम लोगों की समस्याओं को सुन सके। आखिर ये तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एक समस्या वाली बात है। समस्या ये भी है कि जो लोकतंत्र का तीसरा चौथा स्तंभ है वो उन्हें हमारी समस्याओं से ज्यादा दिखती है, जेएनयू की फीस बढ़ना, वही तो समस्या है, छोटी छोटी बातें होती है, दिखती है जामिया का सीएए का प्रोटेस्ट, स्टूडेंट का संघर्ष समझ में नहीं आता उनको, जो यहाँ पास आके देखो तो कल के दिन देखो सिलेक्शन ले लिए, अब पिछले बार इंटरव्यू तक गए थे, इस बार अगर इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए तो फिर देखो। हाँ तो ज्ञानी भैया वही तो आप बताइए कैसे तैयारी करी, वही तो समस्या है, मतलब ये बताएं, हम भी उस टाइम जो ये टॉपर्स सेलेक्ट होते हैं उनकी भी ये समस्या है, बताएंगे इतनी बड़ी बड़ी, ये नहीं बताएंगे जमीनी समस्या क्या है, ये नहीं बताएंगे कि किताब पढ़नी है तो बताएंगे। अब हर आदमी ये पूछता है किताब कैसे पढ़े, अरे भैया मैं बताता हूँ, देखो कितने अच्छे से पढ़ते हैं, देखो किताब सबसे बढ़िया, देखो लक्ष्मीकांत खत्म कैसे करते हैं, इतना बढ़िया तरीका है, खोलना है देखो, पहला ये ऐसे पलटा है, पहला बनना, ठीक है, अब यहाँ से देखा ये पहले आता है लिस्ट ऑफ टेबल, इसमें शुरू करा आदमी ने, आखिरी तक इसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ये यहाँ तक जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ना है, हालांकि ये बताते हैं वो। वही तो बात है ना कि यदि अपने से अपने दिमाग का सही उपयोग ना किया जाए तो इसी तरह बेवकूफ बना दिया जाता है। तो मतलब कुल मिला के कोचिंग संस्थानों में मैंने देखा पढ़ाते क्या है। तो रूम का देना ही पड़ेगा, बात वही है, रेंट तो देना ही पड़ेगा, मगर वही है बात, कैसे दें, समस्या बड़ी बिकट है। तो कुछ दिन के लिए, पांच दिन के लिए। अंकल नमस्कार। हाँ अंकल, ज्ञानी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं अंकल, आपकी जो दसवीं बिल्डिंग नहीं है, हाँ नहीं, ये करोल बाग में जो आपकी ये दसवीं बिल्डिंग थी, जी जी जी, नहीं नहीं वहां मैं पहले रहता था अंकल, आपने वहां थोड़ा आपने बोला था कि जो है 50,000 रूपये रेंट लगेगा करके, तो मैंने मना कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, हाँ यहाँ बोले थे ना पूरा फ्लैट दूंगा, तो मैं ये यहाँ से बोल रहा हूँ, ये जो आपकी घर वाली दसवीं बिल्डिंग नहीं है, करोल बाग वाली दसवीं बिल्डिंग नहीं, ये धीरपुर वाली जो दसवीं बिल्डिंग है, हाँ हाँ हाँ, मुखर्जी नगर बता दो, याद आ जाएगा मुखर्जी नगर, हाँ ये जो मुखर्जी नगर में आपके जो बत्रा के पास जो ऊपर वाली जो नहीं है, मुखर्जी नगर से ऊपर धीरपुर में, हाँ अंकल ये वही वही वही, हाँ हाँ बिल्डिंग भी बोल जाती है, ऐसे ऐसे तो इतने सारा पैसा कहाँ रखेंगे अंकल, पैसों का तो हो नहीं पाया अंकल, थोड़ी सी समस्या को अंकल समझिए ना अंकल प्लीज, अंकल पूरी फसल चौपट कर दी वहाँ गाय बछड़ों ने, और समस्या अंकल घर में 10 चीजें हैं, हाँ जी अंकल जी अंकल, कोशिश जरूर करूंगा अंकल, देख लीजिए प्लीज अंकल, नहीं अंकल अगर आपको चाहिए तो कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं मुझे पता है अंकल आपके घर में बीमार हैं, जी 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 अंकल ठीक है अंकल, मुझे पता है आंटी बहुत बीमार हैं, हाँ अंकल हाँ हाँ मुझे पता है कि हर महीने जो है आपके करीब 1-2 करोड़ रुपए आंटी के लग जाते हैं, हाँ
ठीक 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 आंटी, हाँ अंकल अंकल कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है अंकल अंकल, मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी पूरी, हाँ हाँ अंकल, नहीं तो मैं दोस्तों से उधार मांग लूंगा, हाँ 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 कोई बात नहीं अंकल, ठीक है अंकल। लगता है कि हम लोगों को कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, लग रहा है समस्या पैसे की होती है, ऐसे यहाँ पास कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं कि बना पढ़ाई भी चलती रहे और स्टूडेंट के हिसाब से कुछ ऐसे पार्ट टाइम को जॉब इनकम भी होती रहे, तो समस्या है। पर मुझे ही फोन करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, घर में बार बार परेशान गया, अब तो हम लोग भी बड़े हो गए काफी, मैं तो इतना तो अपने पैरों पे खड़े होने मतलब तो समस्या उधर बोले इधर हमको इनकम प्रेशर अलग से है, तो समस्या तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि करना चाहिए हो गया। तो भैया इसमें क्या कर सकते हैं कंटेंट डेवलपर के लिए, जो पिछले बार हम लोग मेन से लिखे ही थे कंटेंट डेवलपर के लिए कर लेते हैं, या फिर एक बार इंटरव्यू भी दिए हैं तो किसी कोचिंग में पढ़ाना फिर भैया। मगर ये है कि ये यूपीएससी में ना वास्तव में ये मकरजाल है, मैंने देखा है मेरे साथ के कुछ टीचर ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाना शुरू किए तो पढ़ाते ही रह गए, और मतलब ये मुझे ये लगा कि जो पढ़ेगा वही निकलेगा और जो जाल में फंस गया। मुझे ये क्यों लगने लगा है कि यूपीएससी आज केवल अमीरों के बच्चों के लिए रह गई है, आज हम जैसों के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं, हमारे लिए मांगी जाती है तो कहते हैं कि भैया टेंथ और ट्वेल्थ में लाओ 90-90% और लाओ ग्रेजुएशन में लाओ 75%। अरे भैया जब घर में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, मेहनत करके हमने खुद अपना पढ़ा, तो साला कहाँ से हम 75% लाते कहाँ से। अब हमने सपना देखा आईएएस बनने का, घर का सुधार करने का, मगर अब वो पिछला कैसे सुधारे भैया ये समझ में नहीं आता। पूरी जामिया फामिया जितनी है सब कोचिंगों में घुस गए, सब जगह जाए, सब कह रहे स्कॉलरशिप फ्री, स्कॉलरशिप बोर्ड लगा है। मैं अंदर जब घुसा तो भैया कह रहे भाई साहब आप जो है अगर एसटीएससी ओबीसी से है तो आपको जो है पूरी फ्री स्कॉलरशिप। नहीं तो हम लोग तो ऑलरेडी है ना, हम लोग को तो जैसे कि जेनेटिक तरीके से जनरल में है ना, तो उसे क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट की नजर में तो जनरल वाला बढ़िया अमीर व्यक्ति होता है, उसको क्या स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है। हम लोग तो एक गवर्नमेंट की नजर में और लोगों की नजर में तो हम लोग बढ़िया अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं। गार्ड ड्यूट हम लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एस्पेक्ट होती है कि हम ऑलरेडी मार्क्स हम लोग के ज्यादा हों तब तो ठीक है ना, ओबीसी से नीचे पीएससी फिर एसटी ये चीज होती है, तो सिंपल से बताया हम लोग उनकी नजर में तो है। तो उसके क्या तरीके ये क्या मतलब है? आज एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो कि पहले सूत्रों के साथ एसटीएससी के साथ होता था, आज जनरल के साथ हो रहा है। सरकारें ऐसा बिहेव कर रही है हमसे, मुझे ये नहीं लगता कि कभी, मुझे लगता है कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भारत में भी होगा, मतलब समानता इक्विटी, और हमने पढ़ा इक्विटी और इक्वेलिटी, इक्विटी यहाँ सरकार इक्विटी के लिए जो है इक्वेलिटी को भेंट चढ़ा रही है, और के छात्र को सरकार ने दे दिया ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण। भैया ये तो बता दो कि 10% आरक्षण जो आपने दिया वो 10% आरक्षण में फाइट कितने कर रहे हैं, 99% डाल दिया, वो जो 40% बचा वो कहाँ गया। मतलब कुल मिला के जनरल का बच्चा क्या करेगा, जनरल के बच्चे के लिए पूरे माँ बाप ने करके रखना है, पूरा पूरा माँ बाप जनरल के बच्चों का जो है बेड़ा पार कौन करेगा, माँ बाप करेगा। ये नहीं हम लोग तो कहने का मतलब कि ये नहीं कहते कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना हो, समावेशी विकास बिल्कुल हो, लेकिन हमें एक इस वे पे भी सोचना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक किसी भी चीज को लॉजिकल वे से भी देखना चाहिए कि यदि आप डिस्क्रिमिनेशन हम करते भी हैं तो यदि हम उसको नॉलेज के उसकी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसको कि यदि मतलब उसको हम बराबर लाने के प्रयास करते हैं तो उनको यदि कह सकते माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको बराबर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा यदि है थोड़ा सा उसमें कम एबिलिटी है उसको आप बड़े एबिलिटी को आप हटा करके उसको यदि अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो वो क्या बेस्ट परफॉर्मेंस वापस नहीं कर पाएगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह की खैर हम लोगों को लगने से कुछ नहीं, हम लोगों को लगने से क्या होगा भैया, सरकार को नजरों में हम कल भी अच्छे थे, हम ब्राह्मण हैं तो मतलब हम जो है सबसे अमीर लोग हैं, हम मंदिरों का चंदा खाते हैं और कुल मिला के जो है हम उन्हीं कैटेगरी में गिने जाएंगे कि हम करोड़पति अरबपति बाप की औलाद हैं। कोई ये नहीं देखेगा कि कितनी मेहनत करके हम जो है दिल्ली कैसे किन हालातों में हम जो है पैसा कमा के, या कैसे हमारे घर वालों ने खून पसीने की कमाई लेके हमें दिल्ली भेजा,
दिल्ली भेज के वो कहेंगे भैया लाओ 70%, लाओ 90%। भैया ये देखो कि आज की डेट में जो 90% वाली है, देख लो कोचिंग का रिजल्ट उठा के देख लो, हम ही जैसे लोग रिजल्ट दे रहे हैं भैया, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम ही लोग रिजल्ट दे रहे हैं। अरे ज्ञानी भैया क्या हुआ, सुबह सुबह जनरल ओबीसी कर रहे हैं, अब जनरल हैं, आप पे श्राप है, श्राप बाबा का, ब्रह्मा बाबा का। ये बोल पड़े भैया, हंस लो भैया, हंस दो वो तो है ही भैया, कुछ क्या कर सकते, चाहे आप हंसो या रो, कुछ हो तो वही भैया। आप 100 लाइए, हम लोग 84 में खुश हैं, हम लोग को 84 लाना है। 84 मुझे दुबे सर की बात याद आ जाती है, कहते हैं कि सर मेरे 84 नंबर आएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने बोला बेटा 84 से ज्यादा आ गए तो क्या यूपीएससी बाहर कर देगी। तो मतलब ये माइंडसेट ये हो गया है सरकार ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी इस आरक्षण के माध्यम से इतनी गिरा दी है। संविधान सभा में जब बहस हुई थी तो ये कहा गया था कि 10 साल तक इसे बढ़ाया जाए, अभी सरकार ने तो पॉलिटिकल एक कह सकते हैं हर 10 साल में बढ़ाया जाए करेंगे, तो हाँ वो एक रूल हो गया है। अब अगली नेक्स्ट पार्टी आएगी वो भी करेगी, नेक्स्ट आएगी वो भी करेगी, अपने बढ़िया वो तो एक रूल टाइप से होगा कि वो हो गया भाई, इसको एकदम फिक्स ही कर दो ना संविधान में, क्यों ये 10 साल को पता है सामने वाला तो बढ़ना तो है ही, एक काम कर उसको भैया, एक काम कर देते ना जनरल, ऐसा भी हो सकता है कि 10 सीट जनरल, 10 सीट एसटी, 10 सीट ओबीसी, 10 सीट, अब समाज को बांट बांट के राजनीति कैटेगराइजेशन कर खुद बांटना है समाज सकता है, तो एक कह सकते हैं कि समाज में भी ना एक इस प्रकार इसमें दायरा डिसाइड हो जाता है, वो व्यक्ति एक दूसरे में एक प्रकार जलस की भावना, आपस में हम बटे जा रहे हैं इस तरह में, तो और ज्यादा ये चीज। चलिए भैया कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मकान मालिक को किराया दे देंगे, बाकी क्या करना है देखते हैं, जुगाड़ कुछ संघर्ष के बाद विजय जरूर होगी। बिल्कुल। रिजल्ट भी आने वाला था ज्ञानी भैया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने दो, किसका रिजल्ट आ गया भैया? यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। अरे रिजल्ट आ गया जी, अरे आ गया तो आने दो भैया। अरे आप नहीं समझे, आप लोग का रिजल्ट आ गया, आप लोग सिलेक्टेड हो गए हैं। अरे सिलेक्ट क्या क्या, अरे पहले मिठाई खिलाई पहले, रुके क्या, आ रहे आपके रूम आ रहे, हम रूम आ रहे हैं। ये फोन किसका आ रहा है? अरे मकान मालिक का फोन कैसे आ गया आज? बधाई हो भैया, हम दोनों बहुत बेहतरीन आया है, टॉप में है भैया, आपकी 7वीं रैंक, बधाई हो। मकान मालिक का फोन आया था, सुनो क्या बोलते हैं, सुनते हैं फिर तो आए कॉल, मैं ना करूंगा कॉल, अभी आज तो हमारा भी दिन है मकान मालिक, आज मुझे लग रहा है। वैसे भैया इसलिए भैया देख लो आ गया क्या, ये फोन आया कोचिंग वालों का, सुनते हैं। हाँ भैया नमस्ते, भैया नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हो भैया? अच्छा फोटो चाहिए भैया, आपकी कोचिंग में तो पढ़ाई नहीं, तो कोचिंग में फोटो कैसे दे दूं मैं? ये तो कोई बात नहीं हुई, 10 लाख रुपए दे दूंगा, फोटो छाप लो। नहीं भैया नहीं, ये अगर आपने ये किया तो मैं क्या कहूँ अभी, चलो बाद में बात करता हूँ भैया। भैया एक अच्छी कोचिंग वाले का फोन था। कौन सी थी? बड़ी कोचिंग थी। अच्छा क्या बोला? कह रहे हैं फोटो छाप देते हैं। अरे हाँ वही वो नौटंकी, 10 लाख ये तो एक गाड़ी 10 लाख और आईफोन एक जने को मैंने लगा दिए। मकान मालिक का भी फोन आ रहा है, देखो चलो। हेलो, हाँ अंकल नमस्ते। हाँ अंकल बढ़िया। हाँ अंकल मैं किराया दे दूंगा अंकल, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल अंकल मैं किराया आपके पास पहुंचा दूंगा अंकल, बिल्कुल अभी पहुंचा दूंगा। पेटीएम को तो एडवांस दे देंगे 2-4 महीने के लिए। ना अंकल बिल्कुल अंकल पहुंचा, दिक्कत नहीं अंकल मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा
नहीं अंकल क्यों किराया क्यों नहीं है इसमें अंकल कैसी बात कर रहे हो अंकल दे देंगे पापा कोई बात नहीं अंकल इस बार थोड़ा फसल ठीक ठाक है दे देंगे नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अंकल अंकल नहीं 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 अंकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आंटी की तबियत खराब रहती है आप बोल रहे थे 20 करोड़ रुपए इतने लगते हैं हाँ इलाज में नहीं अंकल आपने लोन ले लिया कोई बात नहीं अंकल आपको किराया चाहिए होगा ठीक है अंकल मैं कोशिश करूँ अच्छा अंकल कैसी बात कर रहे हैं क्या 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 कहना है अच्छा कि बहुत अच्छे मकान मालिक हैं इंटरव्यू में कुछ गलत ना बोलूं अच्छा ठीक अंकल ठीक अंकल मैंने गलत क्या बोला अंकल मैंने आपके बारे में कभी गलत बोला ही नहीं कुछ अब आप हमसे बिजली का बिल उतना लेते थे वो बात तो बोलनी पड़ेगी ना अंकल ना ना अंकल मेरे को नहीं चाहिए बिल ठीक है अंकल बात बाद में करूंगा मैं अभी अभी मैं बात करता हूँ थोड़ा अरे भैया सुन रहे हो क्या क्या बोला क्या बोल रहा था वही कह रहे पूरा बिजली का बिल आज तक का जितना दिया है पूरा वापस ले लो किराया वापस ले लो और 2 साल तक फ्री रह जाओ मेरे मकान में और इंटरव्यू में ये बोलना मेरा जैसा मकान मालिक कहीं नहीं है और किराए में लेना है तो बस बसरा कंसल्टेंसी में जाके पूरे बिल्डिंग जितनी है वही रूम लेना है और कहीं ऐसा मकान मालिक जो पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा ये लोग बाजार बना दिए एकदम बाजारवाद है पूंजीवाद एकदम हावी हो चुका है देखो गिर गिर कितना कितना बदल गए अभी तक तो टिफिन करके भैया टिफिन में भी फोन कर रहे थे भैया टिफिन वाले का फोन टिफिन वाले गया है हाँ भैया नमस्ते हाँ नहीं भैया मैं टिफिन के पैसे आपको दे दूंगा भैया भैया मगर ये थोड़ा दाल तो सही कर लो भैया पूरी उल्टी हो रही है खाना खाके कल भैया ने रात भर उल्टी कर ली है स्पाइसी बना दिया था कैसा स्पाइसी भैया ऐसा मत करो भैया बच्चे कितना गंदे सब्जी बनाई थी अच्छी नहीं भैया नहीं मेरे को पता है आपने वो करा अरे भैया मैंने कल का टिफिन ना कल का टिफिन मैंने वैसे ही रखा है हाँ मुबारक हो अरे मुबारक हो पहले अरे मुबारक हो क्या हुआ भाई देख रहे हो भैया बहुत मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मिठाई खिलाइएगा अरे बिल्कुल बिल्कुल यार मिठाई का तो होटल में डायरेक्ट चलेंगे ठीक है भी आते हैं 10 मिनट में